गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का सोमवार को लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। 16 से शुरू होगी कक्षाएं। मंडलायुक्त ने कहा गरीब और मेधावी छात्रों को मिलेगा निःशुल्क कोचिंग। गोरखपुर परिक्षेत्र के नवागत एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में नारी शक्ति के द्वारा जल शक्ति रामगढ़ताल नौकायान के आसपास अपने सहयोगी अधिकारियों तथा 108 महिला रिक्रूट जवानों के साथ किया श्रमदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता मिशन की जगाई अलग। सीसीटीवी में कैद हुई मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर की लाइव फुटेज। चढ़ा कोतवाली पुलिस टीम के हत्थे, हुआ गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से एक चांदी की कटोरी, एक पेचकस और 3100 नगद रुपए किया बरामद, भेजा जेल। महानगर वासियों ने हर्षोल्लास और प्रेम सौहार्द के साथ मनाया 14 फरवरी प्रेम का पर्व वैलेंटाइन डे। 9 दंपति जोड़ों ने बुके देकर एक दूसरे से किया अपने प्यार का इजहार। नौकायान पहुंचकर वोटिंग का उठाया आनंद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 16 फरवरी को आयोजित होगा गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह। कॉलेज के निदेशक ने बताया इस वर्ष से शुरू होगा पूर्वांचल का पहला एमएससी नर्सिंग कोर्स। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। एनी रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने क्रिकेट बॉल पर शॉट लगाकर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। उद्घाटन मैच में एमसीए ने एनईआर को हराकर किया सेमीफाइनल में प्रवेश। डीवीएनडीसी के राष्ट्रीय सेवा योजना की सप्त दिवसीय शिविर के 5वें दिन स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। आम जनमानस को मतदान करने के प्रति किया गया जागरूक। गोरखपुर में रविवार को मिले मात्र 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,446। अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 55 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में विहिप कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। सरकार से अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग। और भैरवी संगीत कला केंद्र के द्वारा सामूहिक मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों ने माता पिता को तिलक लगाकर उतारी आरती, लिया आशीर्वाद।